जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो वो घमंड में आ जाता है, बस इसलिए मैं पैसा नहीं कमाता। घमंड नहीं आना चाहिए कभी बंदे में यार। जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो वो घमंड में आ जाता है, बस इसलिए मैं पैसा नहीं कमाता। घमंड नहीं आना चाहिए कभी बंदे में यार। ये जो फॉलो करके अनफॉलो करने वाले लोग है ना, ये भी किसी बेवफा से कम नहीं। लोगों की लाइफ टेंशन फ्री होती है, भैंसो मेरी लाइफ में टेंशन फ्री है। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। पता ना किसकी पत्नी से मिलेगा, मिल जाए तो बात ही अलग है। मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई तू सबके साथ सबकी तरह वीडियोस क्यों नहीं बनाता। तो मेरे भाई, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो लड़कियां सच्चा प्यार ढूंढ रही हैं, उनको मैं क्यों नहीं नजर आ रहा। भाई मुझसे करो प्यार, हम करेंगे सच्चा प्यार यार। पता नहीं यार, हम आलसी लोगों से लोग इतना नफरत क्यों करते हैं यार, हम तो कुछ करते भी नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा फोन जिद पकड़ के बैठा है कि तू सिर्फ मेरा है। बस इसीलिए ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाता, मेरी कोई गलती रहा यार। मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, कोई करवा रहा है तो बताओ, नहीं तो बनाओ एंजल प्रिया के नाम से आईडी। बताओ क्या करूं, जब मैं चाहूं तब भागकर शादी कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है भागकर शादी करने वाली भी तो कोई होनी चाहिए। दिक्कत ही दिक्कत है यार, बन जाओ भाई कोई बेटी भी यार, परेशान हूं मैं बहुत। चला भागूंगा बहन चोद। तारीफ करे बिना कोई लड़की खुश नहीं होती, और झूठ बोले बिना किसी लड़की की तारीफ भी नहीं होती। करे तो करे क्या, झूठ ही बोल लेते। प्यार में लोग धोखा खाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ने तो चप्पल भी खाई है। ये वाली खाई होगी, आपस की बात है किसी को बताना मत। ये वाली खाई थी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सबसे परेशान हूँ या फिर सब मुझसे परेशान है। मैं लड़कियों को एक बात बोलना चाहूंगा, पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन पैरों से पैदल चलो, दिमाग से नहीं। दोस्तों पहले ये वाला गाना सुनो। तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। मुझे लगता है भगवान जी ने मुंह से बताने वाला सिस्टम अब बंद कर दिया है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फलाना ढिमकाना सब जगह ब्लॉक करके कहती है कि तुम मुझे मनाते नहीं हो। अबे कहां से मनाऊं, यूट्यूब से? अब भी हो गई है। दोस्तों जब मैं उदास होता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज तो मेरे हालात से भी ज्यादा बुरी है, मैं शांति हो जाता हूँ। अगर लड़कियां मेकअप करना छोड़ दें, तो हम लड़के खुद पे खुद उन पे लाइन मारना छोड़ देंगे। क्यों लड़कों बताओ, ठीक कह रहा हूं ना?
एक सेकंड में और बस एक शब्द के मंत्र से अपने दोस्तों को वश में करें। पता है कैसे? पिएगा? आजकल के बच्चे नाइट आउट पर जाते हैं और एक हम थे साला दिन में बाहर जाने के लिए भी रोना पड़ता था तब भी बाहर न जाने देती थी मम्मी। कैसे कैसे जमाने आ गए। थक गया हूँ यार दूसरों की गर्लफ्रेंड को हंसाते हंसाते। अब कोई मेरी भी बन जाओ यार। दूसरों की गर्लफ्रेंड को हंसाते रहूंगा जिंदगी भर। मेरी ना बन के देरी रोना हो रहा है। ऊंचाई पे पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। अगर यकीन नहीं है तो हवाई जहाज को ही देख लो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बस बेइज्जती होती है। हेलो आओ भाई मेरा आटा मतलब डब्बा कब आ रहा है? जोध साले लग गई है। अबे तू तो जिम कर रहा? हाँ मतलब नहीं लगी। लगी नहीं रही है वो तो बता दे तेरे को नहीं एक मिनट में। मेरा एक सवाल था जब लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतने परेशान हैं, तो शादी की सालगिरह इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं? किसी को पता है तो यार बताओ कमेंट में। मेरे तो दिमाग से परे है भाई। इतिहास गवाह है कि काले लड़कों को बचपन से ही बताया जाता है कि बेटा तेरी शादी गोरी लड़की से होगी। बस इसीलिए ही वो अपने कालेपन से खुश रहते हैं।